बट कितने इंजीनियर्स थे यहाँ पे, ऑल द इंजीनियर्स। तो आप सबकी अरेंज मैरिज होने वाली है, मैं बता रहा हूँ अभी से, और मैं बता देता हूँ क्योंकि अरेंज मैरिज का सिस्टम इंडिया में इतने टाइम से चला रहा है, सो देयर इज अ सेट सिस्टम इन प्लेस इन इंडिया। लाइक द फर्स्ट स्टेप इज एज अ गाय यू गो एंड मीट ऑल द प्रोस्पेक्टिव गर्ल्स वन बाय वन, विच आई थिंक इज ओनली अ फॉर्मेलिटी इन इंडिया, यू नो। क्योंकि अगर मम्मी पापा को लड़की पसंद आ गई होती है तो वो आपको किसी ना किसी तरह कन्विंस कर ही लेते हैं, वही आपके लिए बेस्ट है। मतलब आप गलती से कुछ बोल दो, पापा वो सब ठीक है, लेकिन पापा वो सोनिया की हाइट थोड़ी कम नहीं है पापा, हाइट। हाँ तो बेटा हाइट का आपको क्या करना, मतलब क्या आपको क्या सोनिया से बल्ब चेंज करवाना उधर बेटा, रिलेशनशिप में हाइट नहीं डेप्थ होनी चाहिए, समझे आप। इसमें मेरा कोई डबल मीनिंग नहीं था यार, सच बोल रहा हूँ यार, आप लोग दिमाग गंदे हैं यार। था अभी ब्रेड वाला भी कर सकता था। And if you still don't agree for arranged marriage, then what Indian parents will do is that they will just start emotionally blackmailing you with the grandfather card. Hey, beta, shaadi kar lo, dadaji ki bhi aakhri ichcha hai. Fir pata nahi. Aur side mein bechare dadaji soch rahe hote hain. Abey yaar kal ek khasi kya kar li, meri aakhri ichcha bhi utra hai yaar ye. Ye mere ko kya farak padta hai yaar, shaadi kare nahi kare yaar. Kaun sa main bachelor party mein nagi dance karne wala hu udhar yaar. मेरा तो पोल डांस भी छड़ी के अराउंड ही होना है। Then you have to get married after the grandfather card, I know, and then you leave for honeymoon. And it's a custom these days, Indian parents, they come to drop you off at the airport. And a very awkward conversation happens between the Indian parents and the honeymooning couple, you know. Like what Indian parents do is that they just replace the word sex with the word enjoy. ठीक है बेटा, फिर आप लोग अच्छे से enjoy करें बेटा। खूब एंजॉय कर रहा बेटा, यही टाइम है बेटा, यही टाइम है, यही है। और दादाजी को भी आखिरी इच्छा है ना दादाजी, यही चाहते हो ना आप, गो फॉर इट बोल रहे हैं। कई बार वो वाली गंदी ड्रीम आती है ना, बैड ड्रीम, जिसमें खुद ही की डेथ हो जाती है। आपने देखा ड्रीम्स में जब भी अपनी डेथ होती है, इट्स ऑलवेज एन एक्शन ओरिएंटेड डेथ, मतलब एक्शन मूवी चल रही होती है। आप क्लिफ या माउंटेन से गिर रहे हो, गिरते ही जा रहे हो, एक तो आप नीचे आते ही नहीं हो कभी, मतलब राइट, कोई मतलब ट्रक ड्राइवर आपके पीछे गन लेके आ रहा है, शेर आपके पीछे भाग रहा है, ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड डेथ होती है। किसी की भी ड्रीम्स में स्टैटिक डेथ नहीं होती है। कोई भी अपनी ड्रीम्स में डायबिटीज से नहीं मरता है, मतलब क्यों पलंग पे लेटा हुआ लोग चिक्की खिलाए जा रहे हो, मरे जा रहा उधर, लाइक फक यू अग्रवाल स्वीट्स, क्या है। And you know what is more scary than you dying in your dreams is when your relatives die in your dreams. क्योंकि अभी आप information किसी के साथ share नहीं कर सकते हो। और उस दिन आप already guilt trip पे होते हो यार, मैं guilt trip पे होके shit यार, चाचा की कैसे death होगी सपने में यार, क्या मैं subconscious level पे चाचा के बारे में ये सब सोचता रहता हूँ। और उस दिन चाचा extra loving हो जाते हैं उसी दिन, मतलब तो breakfast पे हम लोग खा रहे हैं, आलू पराठा चल रहा है मेरा और चाचा का, मेरा खत्म हो गया, चाचा बिल्कुल आलू पराठा लेना, बोला हाँ मेरा किचन से मम्मी ला रही, दो मिनट में आ जाएगा। अरे यार, और अपना आधा आलू पराठा तोड़ के मेरे को दिया, ये ले। मैं बोला शिट यार, इस संत आदमी को आज मैंने मारा है। ऐसे अपना आधा आलू का पराठा दे दिया यार, मतलब वो भी वो वाला हाफ जिसमें आलू और बटर ज्यादा था यार। चाचा के पास तो पराठे का सिर्फ तेलंगाना बचा था। और मैं गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि जिस तरह मेरे ड्रीम्स में चाचा की डेथ हुई उसमें मैं इन्वॉल्व था। तो ऐसा था कि मैं और चाचा, हम दोनों ड्रीम्स, हम दोनों कोई तो वॉर लड़ रहे थे दुश्मन के से, और मैं और चाचा सपने में दोनों कंफ्यूज के मारवाड़ी बनी है, कब से वॉर लड़ने लग गए यार। हम लोग तो वॉर के भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होते हैं यार, क्योंकि मारवाड़ीज वी डोंट फाइट वॉर्स, वी ऑडिट वॉर्स यार। तो ऐसे थे हम लोग वॉर लड़ रहे हैं, मतलब मैं और चाचा, और एकदम से दुश्मन ने मेरी तरफ गोली चला दी, और स्लो मोशन में गोली मेरी तरफ आ रही है, और एंड मोमेंट पे चाचा को मैंने ऐसे आगे कर दिया। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर रिसेंटली एनी फैंस ऑफ सनी लियोन इन द ऑडियंस? अब आवाज आई ना सर। लाइक सनी लियोन, सी शी रिसेंटली डिड अ हॉरर फिल्म राइट, रागिनी MMS 2।
And I was like a porn actress doing a horror film, you know. I think this should have been the movie's tagline, Ragini MMS2. Is baar aapke rongte bhi khade honge. I didn't write that joke. Ye joke jisne likha wo the papa. Aur chacha. अच्छा कितनों को वो थे बाबा पोएम सबने सुनी हुई है राइट तो मैं वो पोएम नहीं करूँगा तो बेसिकली क्या होता है कि वो थे पापा और चाचा वाली पोएम मेरे घर में पड़ी थी गलती से चाचा ने पढ़ ली एक दिन तो चाचा बहुत सेंटे हो गए यार तू क्या बदतमीज है स्टेज पे चंद पैसों के लिए बोल देता है मैं थाईलैंड गया था मार देता मुझे ड्रीम्स पे क्या बकवास चल रहा भूल गया मेरे एहसान बचपन के चाचा बहुत हर्ट हो गए यार तो फिर अगले दिन चाचा ने भी एक पोएम लिखी नहीं हमारे घर में मोड ऑफ प्रोटेस्ट यही है मतलब वैसे मारवाड़ी लेकिन सबकी आत्मा बंगाली है मतलब तो इट्स कॉल्ड वो थे चाचा थोड़ी एंग्री पोएम है जब तुम स्कूल डेस्क पे रीटा मैम की गंदी ड्राइंग बनाते हुए पकड़े जाते थे तब कोई पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हारा बाप बन के आता था वो थे चाचा एक बार तो चाचा मम्मी बन के भी आ गए थे नहीं उनको लगा वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन पापा तो घर में बागबान की बोरिंग सीडीज लेकर आते थे लेकिन कोई तुम्हें पेनड्राइव में असली फैमिली बॉन्डिंग दिखाई जा रहा था वो थे चाचा और चाची नहीं था नहीं था रीटा मैम थी अरे वो रीटा मैम वो चाचा का मिसलेनियस था